हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोन ग्रुप ऑफ स्कूल एजुकेशन चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 8th सोशल साइंस सब्जेक्ट में हमारा ये थर्ड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पॉइंट है पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो देखिए, बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान हम कह सकते हैं कि बंगाल है वो बहुत ही बड़ा प्रांत था। मैनी एरियाज ऑफ बिहार एंड ओरिस्सा वेर इंक्लूडेड इन इट। बिहार एंड ओरिस्सा का कई सारा एरिया इसके अंदर इंक्लूड था। इट्स पॉपुलेशन वॉज मोर देन 7 करोड़ 80 लैक्स। उसका हम पॉपुलेशन देखें तो 7 करोड़ 80 लैक्स जितना अप्रोक्सीमेटली उसका पॉपुलेशन था। इट वॉज नेसेसरी टू डिवाइड बंगाल एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच बिग प्रोविंसेस वॉज बिकम डिफिकल्ट। अभी इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था वो डिफिकल्ट हुआ क्योंकि वो बहुत ही बड़ा प्रांत था। स्टिल इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द पार्ट ऑफ बिहार एंड ओरिस्सा फ्रॉम द बंगाल, मुस्लिम डोमिनेटेड ईस्ट बंगाल वॉज कट ऑफ फ्रॉम द मेन प्रोविंस। अभी बिहार एंड ओरिस्सा है उसको बंगाल से अलग करने के बजाय जो मुस्लिम डोमिनेटेड ईस्ट बंगाल था उसको, इसको मेन प्रोविंस से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। बंगाल वॉज द मोस्ट अवेकेंट प्रोविंस ड्यूरिंग दोज टाइम। बंगाल है वो उस टाइम के मोस्ट अवेकेंट पॉइंट था, सॉरी मोस्ट अवेकेंट प्रोविंस था। Viceroy Curzon wanted to develop a communal difference between the Hindus and Muslim by separating the Muslim dominated East Bengal. अभी ये Viceroy Curzon क्या करना चाहता था कि Viceroy Curzon communal difference है वो communal difference Hindus and Muslim के बीच में से वो create करना चाहता था। And wanted to weaken the fast growing national political awakening, और जो नेशनल पॉलिटिकल अवेकिंग है उसको वीक करना चाहता था। दिस पॉलिसी वॉज अपोज विथ अ फुल एग्रेशन एज द विकिड प्लान ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अभी ये एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक विकिड प्लान था कि जो नेशनल लीडर्स और कॉमन पीपल को अभी समझ में आ गया और सभी लोगों ने उसको एग्रेसिव तौर पर क्या किया, तो के विरोध किया। नेक्स्ट पॉइंट देखे तो के लखनऊ पैक्ट। जॉइंट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन मुंबई 1915। अभी जो जॉइंट कॉन्फ्रेंस है वो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के द्वारा मुंबई के अंदर 1915 में मिली। आफ्टर वन ईयर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हैड द एनुअल कॉन्फ्रेंस। अभी एक साल के बाद कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने एनुअल कॉन्फ्रेंस 1915 में योजी लखनऊ के अंदर। द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट ग्रुप आर सेपरेटेड इन सूरत कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस इन 1907। अभी जो सूरत के अंदर जो कॉन्फ्रेंस योजी गई कांग्रेस की, तो उसमें एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट के जो नेता थे वो 1907 के अंदर अलग हुए। नाउ दे बिकम यूनाइटेड एंड इट केम टू बी नोन एज लखनऊ पैक्ट। अभी ये यूनाइट हुए तो उसे लखनऊ पैक्ट के तौर पर जाना गया। विद दिस पैक्ट द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग स्टार्टेड गिविंग द इम्पोर्टेंस टू द नेशनल एज वेल एज बींग एज अ पॉलिटिकल पार्टी। अभी नेशनल, ये कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग है वो एक ही साथ स्टार्टेड गिविंग इम्पोर्टेंस टू नेशन, नेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे। द फाइट फॉर द स्वराज गॉट मोमेंटम। अभी जो स्वराज के लिए जो फाइट हो रही थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। नेक्स्ट देखें, सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1879 कटक ओडिशा के अंदर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ।
His mother name was Prabhavati and father name was Janakinath Bose. पिता का नाम था जानकीनाथ बोस. He was very intelligent since childhood. बचपन से ही वो बहुत ही intelligent थे. He secured the fourth position in IAS exam in London in 1920 के अंदर ली गई IAS exam के अंदर इसने फोर्थ रैंक है वो हासिल किया. आफ्टर कमिंग टू इंडिया ही ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडिया आने के बाद वो उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया. ही पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. ही वॉज कॉट एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर 11 times. उसे 11 times पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पकड़ लिया. ही बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कांग्रेस इन हरिपुरा कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इन 1939. उसने जो हरिपुरा कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 1939 के अंदर एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर रहे. अगेन ही बिकम द प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम इन त्रिपुरा कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1939. दूसरी बार त्रिपुरा कॉन्फ्रेंस के अंदर 1939 के अंदर वो एक प्रेसिडेंट बने. सर्टेन ऑपोजिशन एंड डिफरेंस इन ओपिनियन फोर्स हिम रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप. कई सारे ऑपोजिशंस एंड डिफरेंस इन ओपिनियन होने की वजह से उसने इस पोस्ट से रिजाइन किया. In May 1939, Subhash Chandra Bose formed a new political party. उसने अपनी एक new political party बनाई, Forward Bloc. And the Second World War started in Europe. उस दौरान Second World War है वो यूरोप के अंदर स्टार्ट हुआ. Forward Bloc started anti-war propagation through the advertisement. Subhash Chandra and his companions were arrested and imprisoned. अभी सुभाष चंद्र और उसके साथी है उसको पकड़ा गया और उसको जेल के अंदर है वो जेल के अंदर डाला गया. सुभाष चंद्र बोस स्टार्टेड फास्टिंग एंड ड्यू टू द सर्व इलनेस एंड ही वॉज सेट फ्री फ्रॉम प्रिजन एंड ही वॉज आउट अंडर अ हॉर्स अरेस्ट. अभी उसने जब तक मौत ना हो तब तक फास्टिंग करने का डिसाइड किया और वहाँ पर वो बहुत ही बीमार हुए, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुभाष चंद्र बोस को छोड़ दिया. 17 जनवरी 1941 सुभाष चंद्र बोस एविक्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम दिस हाउस इम्प्रिजनमेंट गिवन बाय द ब्रिटिशर. अभी 17 जनवरी को जो ब्रिटिशरों ने उसे घर में ही कैद रखा था तो वहाँ से है वो निकल गए. ही डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ एंड रीच बर्लिन वाया पेशावर काबुल मॉस्को. अभी वहाँ पर उसने एक पठान का वेश लेकर वहाँ से वो भाग निकले, वहाँ से वो निकल गए एंड बर्लिन तक पहुँचे. कौन से रास्ते से? पेशावर काबुल एंड मॉस्को. लास्ट में वो बर्लिन पहुँचे एंड द ब्रिटिशर वेयर द स्टॉक टू हियर ए स्पीच ऑन रेडियो. अभी ब्रिटिशर है वो, ब्रिटिशरों को कब पता चला कि रेडियो पर उसकी स्पीच सुनी, तब पता चला कि जो सुभाष चंद्र है वो वहाँ से निकल गए हैं. From there he went to Japan via Sumatra. और वहाँ से वो सुमात्रा से जाकर जापान तक पहुँचे. As the captain of आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज के एज अ कैप्टन के तौर पर सुभाष चंद्र बोस की भूमिका देखे. And Indian soldiers from the British Army whose name was Capital Mohan Singh formed Azad Hind Force with the help of the Indian soldiers who had gone to Japan for help. अभी Indian soldiers from British Army का उसका name था Mohan Singh. इसने Azad Hind Force की रचना की.
ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द जापानीज गवर्नमेंट एंड राजबिहारी बोस मनमोहन सिंह हैड टू रिजाइन। अभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसके साथ, तो के जापानीज गवर्नमेंट के साथ और राजबिहारी बोस के साथ बढ़ने की वजह से मोहन सिंह ने रिजाइन कर दिया। अभी द फ्यूचर ऑफ आजाद इन फोर्स बिकम द इंडक्टिव एंड अनसर्टेन फॉर अ क्वाइट पीरियड ऑफ टाइम। अभी आज़ाद हिंद फौज का जो हम कहे फ्यूचर, तो अभी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। विथ अनएमियस डिसीजन राजबिहारी बोस अपॉइंटेड सुभाष चंद्र बोस एज द सुप्रीम लीडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज ऑन 4 जुलाई 1943 को राजबिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कर दिया, तो के सुप्रीम लीडर के तौर पर रखा। एंड द होल ऑथोरिटी वॉज गिवन टू हिम, और सब ऑथोरिटी है वो सुभाष चंद्र बोस को दे दी। सुभाष चंद्र बोस टुक अ चार्ज ऑफ लीडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज इन जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की लीडरशिप है वो स्वीकारी। He was given the honor of Netaji. Netaji का टाइटल मिला। Netaji gave the slogan. Slogan दिया चलो हिंदी, किसको दिया, तो क्या आज़ाद हिंद फौज। और कंट्री को कौन सा मंत्र दिया, जय हिंद का। He tossed the whole of the Southeast Asian country and persuaded the Indians over there to sacrifice everything. जो भारत को, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उसने कहा क्या कि यू गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अभी ये स्लोगन है वो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर एक फ्यूल की तरह आया। नेक्स्ट है कि एक्टिंग गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस एक्टिंग गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद इन सिंगापुर अक्टूबर 1943। ही टुक अ चार्ज एज सुप्रीम हेड ऑफ द फोर्स, उसने सुप्रीम हेड ऑफ द फोर्स के तौर पर काम किया। दिस गवर्नमेंट डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड एंड अमेरिका के सामने वॉर डिक्लेयर कर दी। अभी आज़ाद हिंद फौज का वर्क, तो रीप्लांट सुभाष चंद्र बोस आफ्टर बिकमिंग द हेड ऑफ द आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद एंड स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग वॉज गिवन। उसने क्या किया, तो कि सुभाष चंद्र ने सैनिकों को स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दे दी। एंड सुभाष चंद्र बोस प्रिपेयर्ड वेरियस बटालियन, और सुभाष चंद्र ने कई सारी बटालियन है वो आज़ाद हिंद फौज में बनाए। आज़ाद हिंद एक्वायर्ड द विक्ट्रीज इन वेरियस एरियाज ऑफ ईस्ट इंडिया लाइक द आरखान एंड इम्फाल। लेटर ऑन आज़ाद हिंद फौज एक्वायर्ड द वेरियस विक्ट्री, कई सारी एरिया के अंदर जीत हासिल की ईस्ट इंडिया के अंदर लाइक आरखान एंड इम्फाल। लेटर ऑन ड्यू टू द लेस सप्लाई ऑफ फूड एंड एक्सेसिव रेन द फौज हैव टू मूव बैक। फिर जो फूड एंड ज़्यादा फूड की कमी और ज़्यादा बारिश होने की वजह से फौज को वापस जाना पड़ा। जापान ड्रॉप द एटॉमिक बॉम्ब टू अमेरिका, उसी दौरान जापान ने अमेरिका पर एटम बॉम्ब फेंका। एंड जापान वॉज डिफीटेड एंड जापान हारा। द सिचुएशन ऑफ वॉर चेंज एंड फ्यूचर ऑफ आज़ाद इन फौज बिकम हाजी। अभी वॉर की सिचुएशन है वो धीरे धीरे क्या हो गए, चेंज हो गए, और आज़ाद हिंद फौज का अभी फ्यूचर अभी बहुत लग नहीं रहा था। 4000 सोल्जर्स बिकम अनएम्प्लॉयड, उसको अनएम्प्लॉयड हुए और 25,000 सोल्जर्स उसको अरेस्ट किया गया। नेताजी हैड टेकन अ वॉव दैट ही वुड नॉट स्टेप इन इंडिया विदाउट फ्रीडम। नेताजी ने एक शपथ ली कि वो इंडिया है वो इंडिया तब तक नहीं आएंगे जब तक है वो फ्रीडम हासिल नहीं मिलेगी। नेताजी लेफ्ट रंगून एंड बैंकॉक एंड मूव फॉरवर्ड बाय द एयरवेज, उसने रंगून एंड बैंकॉक को छोड़ा और एयरवेज से
आगे गए. अकॉर्डिंग टू द जापानी सोर्स के अकॉर्डिंग द प्लान टू कॉप फ्रॉम द ताइवान एयरपोर्ट फ्रॉम द वानासा ऑन 18th August 1945 एंड यह प्लेन है वो यह प्लेन क्रैश हो गया एंड ड्यू टू फायर नेताजी बीइंग सीरियसली इंजर्ड और फायर के कारण नेताजी इंजर्ड हुए और वहाँ पर ही उसकी मौत हो गई वो शहीद हुई. इसके बाद के वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.